केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा गिरिडीह जिले के मधुबनी स्थित सर्वोच्च तीर्थ समवेत शिखर को वन्य प्राणी अभयारण्य का एक भाग घोषित किया गया है, जिसे जैन समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि तीर्थ स्थल को पर्यटन और अभयारण्य बनाए जाने से तीर्थ की स्वतंत्र पहचान और पवित्रता नष्ट हो जाएगी और अभयारण्य बनने से यहाँ गैर जैन समाज की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे लोगों ने तीर्थ का अपमान और अनादर होगा। आज वहाँ पर कि कोई भी जा सकता है, आ सकता है, ये पर्यटक स्थल बनना नहीं चाहिए। ये हमारी आस्था का केंद्र है और इस आस्था के केंद्र को जो भी नाश करेगा, पूरी जैन समाज एक होकर खड़ी होगी। और आज हम सब एक होकर के यहाँ, कोई भी जैन माने जैन है, और यहाँ आकर हम विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं कि हम समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं, पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल उसको घोषित किया गया। पर्टिकुलरली जो क्षेत्र है हमारा, जैन क्षेत्र है, जहाँ पार्श्वनाथ धाम है, पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, 20 तीर्थंकर जो हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हुए हैं। उस भूमि पे ये पर्यटन स्थल घोषित करके 5-स्टार होटल, शराब, मांस, अन्य चीज़ों का वहाँ पर ये वितरण करना चाह रहे हैं, होटल खोलना चाह रहे हैं उसका। जैन समाज द्वारा जो है मौन रैली निकाली गई डोंगरगढ़ में, और जो देशव्यापी जी जो श्री संवेद शिखर जी बचाओ, उनका एक तीर्थ है, उनको बचाने के संबंध में जो है मतलब बिंदुवार ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग ये थी कि जो संवेद शिखर जी को वर्तमान में पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया था, जिसका जैन समाज विरोध कर रहा था, इस संबंध में उन्होंने जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय जो है केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री झारखंड के नाम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा हुआ है।